सभी लोग अपना माइक जो है उसको म्यूट कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। और हम लोग शुरू करते हैं। अभी तक हम लोगों ने, मैंने उस दिन भी उसके बाद भी बहुत सारे लोग नहीं थे तो इसको पढ़ाया था, इसको आज फिर रिपीट करने की मैंने बात किया था, इसको आज पुनः रिपीट करूँगा। अभी तक हमने जो कुछ पढ़ा वह वर्तमान काल को पढ़ा, वर्तमान क्रियापद क्रियापदों को पढ़ा, तो छोटे छोटे सामान्य से जो वाक्य थे तो वर्तमान काल के वाक्यों के बनाना, अनुवाद करना पाली से हिंदी, हिंदी से पाली, ये सब हमने सीखा। शब्दों की रचना भी हमने अभी तक सीखी, हिंदी से पाली के शब्द कैसे बनाएंगे उसके बहुत सारे नियम सीखे। तो जो कुछ अभी तक सीखा वह वैसा ही रहेगा, उसको वैसे ही वर्तमान में प्रयोग करेंगे। और शब्द जहाँ जो भी शब्द हमने हिंदी से पाली शब्द बनाने के सीखे तो वो भी उसी नियम से बनेंगे, उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। किंतु जो क्रियापद हैं उनके बदल जाने से काल बदल जाता है। तो अभी तक हम वर्तमान काल के क्रियापदों को हमने पढ़ा था, अब हम भविष्य काल के क्रियापद को देखेंगे। वर्तमान काल के क्रियापद को मैंने पठ धातु को यहाँ से शुरुआत किया था, तो उसमें पठति, पठन्ति, पठस, पठत, पठामि और पठामि। पठम पुरुष के लिए पठति और पठन्ति, मध्यम पुरुष में पठसि और पठत, उत्तम पुरुष में पठामि और पठामि। जबकि वर्तमान काल की हम बात करते तो हम इस तरह से करते, जैसे वह पढ़ता है सो पठति, वे पढ़ते हैं ते पठन्ति, मैं पढ़ता हूँ तुम पढ़ते हो त्वं पठसि, तुम लोग पढ़ते हो तुम मैं पठति, मैं पढ़ता हूँ अहं पठामि, हम लोग पढ़ते हैं मयंग पठान, इस तरह से हमने किया था। तो बहुत सारे क्रियापद, वर्तमान काल के बहुत सारे क्रियापद हमने आपको बताए थे, और बाकी मैंने ये भी कहा था कि समय के साथ साथ और बताते जाएंगे। तो अभी हम भविष्य काल को पढ़ेंगे, भविष्य काल के क्रियापद को पढ़ेंगे अनागत काल की, तो उसमें भी नए नए क्रियापद आएंगे, उन क्रियापदों को भी वर्तमान और अनागत काल दोनों में हम इस्तेमाल कर लेंगे, केवल उसके अंतर को यदि हम समझ लेते हैं। तो वर्तमान काल में यहाँ देखते हैं आप पठति होता है प्रथम पुरुष का एक वचन, अगर ये भविष्य काल में जाएगा तो पठिष्यति हो जाएगा। यहाँ पर जो छोटी की मात्रा आधा सा और पूरा सा बनेगा, बाकी सब ऐसे ही रहेगा। ऐसे ही बहुवचन में पठन्ति है तो पठिष्यन्ति होगा, यहाँ पठसि है तो पठिष्यसि हो जाएगा, पठत है तो पठिष्यत हो जाएगा, पठामि है तो पठिष्यामि हो जाएगा, तो यहाँ पर पठिष्याम हो जाएगा, बस इतना है। तो बहुत ध्यान से ये देखना है कि दोनों में अंतर क्या हो रहा है, पठति और पठिष्यति, इसका अर्थ होता है सो पठति वह पढ़ता है, इसका अर्थ सो पठिष्यति वह पढ़ेगा, सो पोथकं पठति वह पुस्तक पढ़ता है, सो पोथकं पठिष्यति वह पुस्तक पढ़ेगा, ठीक है, सो भुंजति वह खाता है, छो सो भुंजसत वह भोजन करेगा, सो लिखति वह लिखता है, सो लिखिष्यति, सो पचति सो पचिष्यति, सो चलति सो चलिष्यति, सो कुंदति सो कुंदस्यति। तो इस तरह से हम वर्तमान काल से अनागत काल को बनाएंगे, अनागत काल के क्रियापद को बनाएंगे। यहाँ तक बात समझ में आ गई, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? हेलो,
आप लोग सुन रहे हैं हमें? जी गुरु जी, नहीं है। ठीक है, संगीता जी, वंदे जी। ठीक है, ये जिसका म्यूट नहीं, अनम्यूट करिए। इंद्रदीप अनम्यूट करो। तो इस तरह से हम यहाँ देखेंगे। अब आगे हम कुछ और क्रियापद को देखते हैं। विचरेगा चरिष्यति, इसी को अगर हमें वर्तमान काल की क्रियापद करना है तो चरति हो जाएगा। चरति, ये ई की मात्रा हटेगा, आधा सा पूरा टा चरति हो जाएगा। इसी तरह से भविष्यति, हमने वर्तमान काल में इसको पढ़ा था, भवति होता है वर्तमान, ये भवति होता है, और भविष्य काल बनाएंगे तो भविष्यति हो जाएगा। काटेगा कंतिष्यति, कंतति हमने वहां पढ़ा था वर्तमान काल, कंतति होता है ना, वह काटता है सो कंतति, वह काटेगा सो कंतिष्यति, कांपेगा कंपिष्यति, और वह कांपेगा सो कंपिष्यति, वह कांपता है सो कंपति, बस इतना आसान अंतर है। वह करेगा सो करिष्यति, वह करता है सो करति, बस इतना है। वह खेलता है सो कीलति, और इसको भविष्य बनाएंगे तो सो कीलिष्यति। ये थोड़ा सा बारीक सा अंतर है, और जो भी वर्तमान काल के क्रियापद थे उसमें सिर्फ इतना हम ऐड कर देंगे तो हो जाएगा, और हर शब्द में इसी तरह से ऐड करेंगे। देखा हमने वहाँ गमति था तो यहाँ क्या गमिष्यति, और वहाँ गच्छति था यहाँ गच्छिष्यति, बस इतना सा अंतर है। खोदेगा खनिष्यति, वर्तमान वह खोदेगा सो खनिष्यति, और वह खोदता है तो सो खनति, बस इतना सा। ग्रहण करेगा, लेगा या ग्रहण करना एक ही होता है, पाली में गन्नति होता है सो गन्नति, और भविष्य काल का जब करेंगे सो गन्नस्यति, बस इतना सा फर्क है। खाएगा खादिष्यति और खादति, बस इतना सा फर्क है छोटा सा, उसको हम हमको देखना चाहिए। हिंसति, हिंसा करेगा और हिंसित, हिंसिष्यति, वह हिंसा करेगा और हिंसा करता है तो हिंसति, हमने पढ़ा था वहाँ, ऐसे बहुत सारे शब्द आप यहाँ देखेंगे। सुनेगा सुनिष्यति, वह सुनेगा सो सुनिष्यति, वह सोएगा सो सयस्यति, वह सोता है सो सयति, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए वर्तमान काल और भविष्य काल में, बहुत थोड़ा सा अंतर है वो मैं बता दिया आपको। केवल आपको यहाँ क्रियापद देखना है, इन्हीं क्रियापदों को आप वर्तमान में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और भविष्य काल में भी कर सकते हैं। चंचल होगा चलिष्यति, पीसेगा चुनिष्यति, सो वह पीसता है सो चुनेत, और सो पीसेगा सो चुनिष्यति, चोरिष्यति, छिंदिष्यति, वशिष्यति, रहेगा वशति होता है वर्तमान क्रियापद, वशति, वह रहता है सो वशति, वह रहेगा सो वशिष्यति, वह लिखेगा सो लिखिष्यति, वह लिखता है सो लिखति, बस इतना थोड़ा सा अंतर हमें देखना है। भोजन करेगा भुंजिष्यति, वह भोजन करता है सो भुंजति, वह भोजन करेगा सो भुंजिष्यति, मैं भोजन करता हूँ अहम भुंजामि, वहाँ करते थे, यहाँ क्या करेंगे अहम भुंजिष्यामि, बस इतना। तुम भोजन करोगे त्वं भुंजिष्यसि, बस इतना हो जाएगा। चलेगा जलेगा जलिष्यति, जलति जलिष्यति, बस इतना वर्तमान उसमें है। ये पठम पुरुष का वर्तमान काल है, इसी को हम आगे करें। जलिष्यति जलिष्यन्ति जलिष्यसि जलिष्यथ। वंदे जी, ये भविष्य काल, ये वर्तमान करता है, ये भविष्य काल है, इसी को अभी हमने क्या देखा वर्तमान काल में। जलति अगर वर्तमान करेंगे तो क्या होगा, जलति
जी जी और भविष्य करें जलिष्य नहीं आ, और ये आप वर्तमान काल बोल रहे थे सभी जलिष्यसि, ये तो हम केवल प्रथम पुरुष का एक वचन देख रहे हैं, हमने सारा नहीं लिखा ना, प्रथम पुरुष का बहुवचन मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष, तो इसको अगर हम मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में प्रयोग करेंगे तो कैसे करेंगे, जलिष्यसि हो जाएगा ना, जलिष्यसि जलिष्यथ जलिष्यामि और जलिष्याम, बस ऐसे होगा जो हमने वहां पाठ धातु का पढ़ा था, ऐसे जीतेगा जिनिष्यति जिनिष्यन्ति जिनिष्यसि जिनिष्यथ जिनिष्यामि जिनिष्याम, बस इतना, बहुत सारे शब्द हमने यहाँ आपके लिए लिखे, ये शब्द इसलिए लिखे कि ये शब्द याद रखना, ये हमेशा चाहे किसी भी काल में प्रयोग करें हम, ये सब मूल शब्द तो पाठ्यपदक शब्द तो यही रहेंगे, ये क्रियापद आगे अनुवाद करने में आएंगे, पाली से हिंदी करें चाहे पाली करें, इसके लिए सामान्य चाल में बोलेंगे तो उनके पास कैसे पहुंचे, जब इसमें मैसेज नहीं आया तो उनके पास कैसे, प्रसन्ना जी उनके पास कैसे जाएगा, इधर अनम्यूट करिए, किसी और का भी अभी अनम्यूट है, आप लोग आपस में बात किया करिए तो प्लीज अनम्यूट करके करिए, दूसरे को डिस्टर्ब ना हो, तो पालेगा पोषति, पोषति होता है पोषिष्यति, यहाँ हो जाएगा, और पोषिष्यन्ति पिएगा पिबस्यति, वह जल पीता है तो सो जलम पिबति, वह जल पिएगा सो जलम पिबस्यति, वह वे जल पीते हैं सो जलं पिबन्ति, वे जल पिएंगे सो जल पिबस्यन्ति, मैं जल पीऊंगा अहं जलं पिबस्यामि, ऐसे करेंगे, दिस देखेगा, वहां हमने क्या देखा था, पश्यति होता है, तो वर्तमान क्रियापद में देखेगा पश्यति होता है, ये हम लोग अच्छे से पढ़े, कई अभ्यास भी काफी किए थे इस पर, और पश्यिष्यति ये हो जाएगा भूतकाल में, पतिष्यति पतति होता है वर्तमान काल में, पतति और पतिष्यति हो जाता है भविष्यवाद काल में, डसेगा डसिष्यति, अब यहां पर हमने कुछ आपकी सुविधा के लिए दोनों लिखे, देखिए रोकना रुंधति ये वर्तमान काल में, रुंधिष्यति इसको पुनः ठीक से गौर से देखेंगे तो आपको अंतर दिख जाएगा, बस इतना ही दिमाग में रखना है, कंतति वर्तमान काल में होता है और कंतिष्यति यह भविष्य काल में होता है, गन्नति ये वर्तमान काल में होता है, गन्निष्यति ये भविष्य काल में होता है, छिंदति ये वर्तमान काल में है, छिंदिष्यन्ति सो रुक्खं छिंदति वह वृक्ष काटता है, सो रुक्खं छिंदिष्यन्ति, तो इस तरह से हम लोग करेंगे, अभी आगे हम अभ्यास करेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा, बांधना बंधति बंधिष्यति, ये प्रथम पुरुष का एक वचन है और इसको ही हम जैसा हमने वर्तमान काल में पढ़ा था पठति पठन्ति पठस्ति पठत्ति पठा पठामि पठाम, उसी तरह से इसका भी प्रयोग करेंगे, उत्तम पुरुष में शी अथ और उसमें सॉरी मध्यम पुरुष में सी और था, उत्तम पुरुष में मी मा और प्रथम पुरुष में ती और अंति, और ये बहुत अच्छे से मैंने बताया था कि अहं जहां आता है तो वहां मी का प्रयोग करते हैं, उसके अतिरिक्त अहं और त्वं को छोड़ करके जितने भी चीजें हैं वह सब में प्रथम पुरुष का प्रयोग किया जाता है, तो उसको उस तरह से हमें स्मरण करके रखना चाहिए। छोड़ना मुंचति छोड़ता है सो मुंचति, छोड़ेगा तो यहाँ सो मुंचति, छोड़ेंगे मुच्छिष्यन्ति ना, और प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष में मुच्छिष्यसि मुंचस्यसि मुंचस्यथ और उत्तम पुरुष में मुंचिष्यामि और मुंचिष्याम, ऐसे हम जोड़ना इंजति
ये कुछ नए शब्द भी हो सकते हैं जो हमने वर्तमान क्रियापद में नहीं पढ़े थे, उसको आगे हमको पढ़ना ही है, इसलिए हमने दोनों लिखे और उसको उसी तरह से याद किया। लिपति, लीपना, लेपना कोई चीज। लिपिष्यति, सींचना, जैसे खेत की सिंचाई करना। सिंचति, सिंचिष्यति, हिंसा करना। हिंसति, हिंसिष्यति। तो ये इस तरह से हम जो है वर्तमान काल से और भविष्य काल को बनाएंगे। इसमें किसी को कोई डाउट, कंफ्यूजन किसी तरह का है क्या? संगीता? नहीं बंदे जी। अय्या जी सुन रही आवाज? जी नहीं, बिल्कुल सही है, समझ रही हो। और भी जो लोग यहाँ हैं, किसी को कोई दिक्कत हो अभी तक तो बताएं हमको, जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं उनमें से। अब हम लोग कुछ और चीज एक और देखेंगे जिससे कि हमारे लिए आसान होगा चीजें। पूर्वकालिक क्रियापद, मैंने जो उस दिन बताया था, पुनः रिपीट क्लास हो रही है। पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, हम चूंकि बहुत उदाहरण अलग अलग कल की क्लास में कुछ इसके अभ्यास कर लेंगे, हमारे पास समय सीमित रहता है, इसलिए हम थोड़ा जल्दी जल्दी चीजों करते हैं। पूर्वकालिक क्रिया का अर्थ होता है जो काम पूर्व में हो चुका है, जो काम पूर्व में हो चुका है वह पूर्वकालिक क्रिया होती है। तो वर्तमान शब्द को, इन्हीं क्रियापदों को पूर्वकालिक क्रियापद कैसे बनाएंगे? वर्तमान क्रियापद कैसे होते हैं मैं आपको बता चुका हूँ, उन वर्तमान को भविष्य काल में कैसे बनाएंगे वो मैं आपको बता चुका हूँ, इन्हीं क्रियापदों को पूर्वकालिक कैसे बनाएंगे जिससे जिसमें काम हो चुका है। तो पाली भाषा में पूर्वकालिक क्रिया के लिए हम तीन शब्द सामान्यतः इस्तेमाल किए जाते हैं, त्वा, त्वान, तूम। ये प्रत्यय होते हैं, प्रत्यय, उपसर्ग और प्रत्यय, ये आप लोगों को पता होंगे, पाली जिसने हिंदी संस्कृत कुछ भी पढ़ा होगा सभी में उपसर्ग और प्रत्यय का इस्तेमाल होता है, प्रयोग होता है। पाली में भी वैसे ही उपसर्ग और प्रत्यय होते हैं। तो ये तीनों पाली के प्रत्यय शब्द हैं, लेकिन इन तीनों में सर्वाधिक रूप से त्वा प्रत्यय ही इस्तेमाल किया जाता है, त्वान और तून। बहुत कभी कभी कहीं कहीं नाम मात्र के इनका इस्तेमाल या प्रयोग किया जाता है, इसे हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। तो पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है, समझ में आ गई बात? हेलो संगीता जी, अतीतकाल में। हाँ, अतीतकाल, ये पूरी तरह से अतीतकाल नहीं कहेंगे, पूर्वकालिक, पूर्व में कर चुके हैं, जिसका अर्थ होता है कर या करके। जैसे मैं खाना खा के पढ़ाई करूंगा, समझो, है ना, पढ़ूंगा, मैं खाना खाकर पढ़ूंगा। तो यहाँ खाना खाकर जो था वो यहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया खा कर हो गया। तो अभी तक हम, मैं खाना खाता हूँ, तो कौन सा क्रियापद यूज करते थे? भुंजत। और अभी से मैं खाना खाऊंगा तो भुंजिस्सा, मैं खाना खाता हूँ, अहं भुंजिस्सा, भुंजिस्सति, मैं खाना खाऊंगा तो अहं भुंजिस्सामि। अब यहाँ मूल धात जो भुंज शब्द था पाली का, उसको आपको पूर्वकालिक बनाना है, उसी भुंजित, भुंजित, भुंजित या भुंजिस्सति को भुंजिस्सामि या भुंजिस को मुझे को मुझे पूर्वकालिक क्रिया बनाना, तो भुंजित्वा हो जाएगा, उस समय त्वा प्रत्यय लगा देंगे, तो भुंजित्वा। तो खाना खाता है भी नहीं होगा, खाना खाकर भी खाना खाएगा भी नहीं होगा, खाना खाकर हो जाएगा। अहं भुंजित्वा पठिष्यामि, पिलिष्यामि, शयिष्यामि, है ना, तो ऐसा करेंगे। समझ में आ गई यहाँ तक बात? जी जी। तो पूर्व कर्म हो चुका है, जो क्रिया पूर्व में जो क्रिया हो चुकी है। हाँ। ये पता नहीं कैसे कुछ कुछ डिस्टर्ब, कोई कोई लोग डिस्टर्ब करते हैं तो होता होगा, ये लाइन पता नहीं कहाँ से आ रही है, बना आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रही है क्या? कुछ पता नहीं कैसे कहाँ जी दिख रही है, कभी होता है और बाई डिफॉल्ट होता है या कोई छेड़खानी करता होगा इससे। तो अब हम इसको थोड़ा सा कुछ पूर्वकालिक क्रियापद को, पदों को देखते हैं। हमने सुविधा के लिए
शॉर्ट में लिखा था, जैसे कर कत्वा, वहां का करति था ना, करति करिष्यति। अब इसको पूर्वकालिक बनाएंगे तो त्वा प्रत्य लगाएंगे, कर धातु है, इसमें त्वा प्रत्य लगा दे कत्वा हो जाएगा। और सुत्वा सुनकर, वह सुनता है, सो सुनति, वह सुनेगा, सो सुनिष्यति, वह सुनकर, तो सुत्वा कुछ नहीं करा। पश्चित्वा, वहां क्या था, पश्यति था ना, वर्तमान काल में पश्यत था, और पश्चिष्यति था भूतकाल में, भविष्य काल में, और हमने यहाँ क्या किया, यहाँ क्रियापद बनाना है, पूर्वकालिक क्रिया बनाना है, तो पश्चित्वा त्वा प्रत्यय उसमें लगा देंगे, बाकी सब हटा देंगे। ऐसे ही पिबित्वा, पिबति था, पिबिष्यत था, वो सब हटा दिया, तो हमने पिबित्वा कर दिया। शयित्वा, शयति वर्तमान काल में शयत क्रियापद था, यहाँ शयित्वा कर दिया, यदि हम पूर्वकालिक क्रिया करें तो शोकर। लज्जित्वा, लज्जित, लज्जिस्सा, लज्जिस्सति, वो था उसमें भविष्य काल, अनागत का काल की क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया करना है तो लज्जित्वा। रक्षित्वा, रक्षा करके, ये सारे चीजें हम पढ़ चुके हैं, वर्तमान क्रियापद भी, और अभी थोड़ी देर पहले हमने अनागत कालिक क्रियापद इन्हीं शब्दों का प्रयोग किया था, अभी इन्हीं शब्दों को पूर्वकालिक क्रिया में प्रयोग कर। तो भुंजित्वा, केवल हमने त्वा प्रत्यय सभी में लगाया। मरित्वा, मरकर। योजित्वा, नियुक्त करके। दिश्वा, देख करके, वहां दिश्यति था, दिश्यति था, दिश्वा, केवल यहाँ त्वा। और चिंतित्वा, छिंदित्वा, छिंदति था तो छिंदित्वा। पतित्वा, पचित्वा, ढंसति था तो ढसित्वा। तरित्वा, तरति शब्द होता है वर्तमान में, और तरिष्यति अनागत काल में, और पूर्वकालिक क्रिया तरित्वा हो जाए। ठत्वा, खड़ा करके। जेत्वा, जीत कर। इच्छित्वा, इच्छा करके। कोटित्वा, कूट कर। कीलित्वा, खेल कर। गंत्वा, जाकर। गहित्वा, लेकर। चलित्वा, चंचल होकर के। और जनित्वा, पैदा कर। तो ये सारे क्रियापद हैं, ये हमने कुछ एक यहाँ आपको समझने के लिए यहाँ लिखे हैं, और इनको जो अभी तक हमने क्रियापदों को वर्तमान काल में या अनागत काल में हमने पढ़ा था, तो उनमें ये उन्हीं शब्दों को त्वा प्रत्यय लगा देंगे तो पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। इसमें कोई कन्फ्यूजन तो नहीं आप लोगों को? अय्या जी नहीं बोलते नहीं। संगीता, समझ में आ रहा ना, आप कर सकते हैं ना इन शब्दों को आसानी से, ये यहाँ नहीं भी हैं, जो शब्द नहीं है उनको भी कर सकते हैं आप, जो जो क्रियापद जैसे जैसे सीख रहे हैं उन शब्दों में, बस अगर पूर्वकालिक बनाना है तो उसमें उनके मूल पाटीपदिक शब्दों में त्वा प्रत्यय लगा देना और वो हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम कुछ एक उदाहरण देके देखते हैं, जैसे कत्वा यहाँ है, मैं वह करके, जैसे पढ़ाई करके तो पठित्वा तो हो जाएगा, करेगा, करता, करके। सुत्वा, सुनकर, मैं धर्म सुनकर ध्यान करूंगा, एक बात है, मैं धर्म सुनकर ध्यान करूंगा, एक वाक्य बना। अहम धम्मं सुत्वा ध्यानं करिष्यामि, हाँ ध्यानं करिष्यामि। पश्चित्वा, वह देख कर जाऊंगा, पश्चित्वा देख कर जाता हूँ, तो अहं पश्चित्वा गच्छिष्यामि या गच्छामि, ठीक है। तो ऐसे ही पिबित्वा, मैं पानी पीकर सोऊंगा, अहं 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 जलं पीबित्वा, जलं पीबित्वा, अहं जलं पीबित्वा सायमिष्यामि, 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 सायमिष्यामि,
आप देखिए ये सयत शब्द यहाँ आया तो यहाँ इसको उसी शब्द को क्रियापद में पढ़ा, मैं सोकर जाऊंगा। अभी हमने इस शब्द को अनागत काल में यूज किया सयत को, अब इसी को पूर्वकालिक बनाना है। तो अहं शयत्वा गच्छिष्यामि, ठीक है ना संगीता, कोई दिक्कत नहीं ना? यहाँ जितने लोग भी उपस्थित हैं, किसी को कोई दिक्कत आ रही हो तो कंफ्यूजन हो रहा हो ना समझ में रहा हो तुरंत हमसे पूछ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो लज्जित्वा, लज्जा करके, तो ऐसे ही बात की बना लीजिए, वह लज्जा करके जाता है, वह लज्जा जैसे वह लज्जा करता है सो लज्जित, सो लज्जा करेगा सो लज्जिष्यत, वह लज्जा करके बैठता है बैठेगा सो लज्जित्वा तिष्ठति, रक्षित्वा रक्षा करके, वह रक्षा करके क्या कुछ? जो पूर्वकालिक क्रियापद है, ये जो पूर्वकालिक क्रियापद है ये भविष्य काल के साथ ही लगते हैं क्या? नहीं नहीं, दोनों के साथ लग जाएगा ना। मैं देखो वर्तमान, मैं वर्तमान में लगाता हूँ इसको, वर्तमान। मैंने कहा ना कि मैं भोजन करके पढ़ता हूँ, तो वर्तमान नहीं लगा सकते क्या? आम गुंजित भोजन कर लिया मैंने, अब पर वर्तमान काम कर रहा हूँ पढ़ता हूँ। जैसे कि ये जो पूर्वकालिक क्रिया तीन काल में, तीनों भी काल में लगाया जा सकते हैं क्या? जी भूत भविष्य अनागत। हाँ, सामान्य सी बात आप समझ लीजिए, जहां पर ये करके शब्द आता है हाँ, वहां पर पूर्वकालिक क्रिया होगी, करके हो चुका है तो वहां क्रियापद, हाँ तो वहां पर हम क्रियापदिक शब्दों में तो आप्रत्य लगाएंगे, ठीक है? समझ आ गई अजय जी बात? क्लियर हो गया ना? नहीं, बस एक बात थोड़ा कंफ्यूज लग रहा है मुझे, जैसे कि अतीत काल, वर्तमान काल और भविष्य काल है, तो ये तीनों कालों के साथ भी पूर्वकालिक क्रिया लगाई जा सकती है या दोनों काल के साथ? मैंने कहा कि लगाई जा सकती है, उसने उस जैसे वर्तमान काल में अतीत काल में कैसे, अतीत काल में कैसे? मैंने मैंने भोजन उसने वह भोजन करके पढ़े, उसने भोजन करके पढ़ा, पढ़ाई की या पढ़ा, वह भोजन करके गया, सो भुंजित्वा गच्छ, तो ये पाली में कैसे होगा भाई? क्रियापद को अतीत में आप एक अतीत का सेंटेंस बना सकते हैं ना, कि मैंने बताया ना वह भोजन करके गया, गया तो अतीत हो गया ना। पाली में चाहे अतीत में लगाना हो, चाहे वर्तमान लगाओ, चाहे अनागत में लगाना हो, क्रियापद तो शब्द ऐसा ही रहेगा ना जी। केवल हमारा ये जो पूर्वकालिक क्रिया ऐसे ही रहेगी, क्रियापद बदलेगा। अच्छा, जो क्रियापद है अभी अतीत काल आने दीजिए ना, अभी आप भविष्य काल को पढ़ रहे हैं, वर्तमान पढ़ा फिर भविष्य पढ़ा, आप अतीत को बताएंगे तो उसके अतीत काल के क्रियापद को बताऊंगा, अब एक में दोनों का कंफ्यूजन करेंगे तो दिक्कत होगी ना, फिर एक एक को अभ्यास, सॉरी सॉरी, है ना। अब यहाँ हमने आज हमने भविष्य अनागत काल बताया, तो इसको अनागत काल में प्रयोग करिए, वर्तमान में बता चुका हूँ तो इस शब्द को वर्तमान में प्रयोग करिए, अभी अतीत काल अतीत क्रिया पद को बताऊंगा तो उसमें हम प्रयोग करेंगे फिर इसको, लेकिन जहां ये करके आएगा वहां ये तो आप प्रतिक्रिया पद में लगाएंगे और पूर्वकालिक क्रिया बना देंगे, इतना महत्वपूर्ण हमें समझना जी। छह महीने को एक दिन में करोगे तो फिर बाकी छह महीने की जरूरत क्या है? मतलब जी भविष्य काल अनागत काल है जी, अनागत जो आने वाला है वो भविष्य काल हो गया, ठीक है? जो अभी तक आया नहीं, अनागत आया नहीं अभी तक जी 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 बन, तो अनागत हो गया, ठीक है? चिंता कोई दिक्कत तो नहीं ना? नहीं, नहीं अभी नहीं। तो इसमें हम आसानी से इसको
कर सकते हैं, इसमें मुझे लगता नहीं किसी को कोई दिक्कत हो। तो ऐसे ही इसका हम अभ्यास करेंगे, है ना। जैसे वह पेड़ काट कर, है ना, जाएगा या जाता है, कुछ भी, सो रुक्कम छिंदित्वा गच्छति या गच्छिष्यति। मैं पुस्तक लेकर जाऊंगा, मैं पुस्तक लेकर जाऊंगा, बताइए यदि। अहं पुस्तक लेकर जाने का कौन सा शब्द है लेने के लिए? गन्नति था ना, ग्रहण करना या लेना, एक ही थी ना। अहं पुस्तक गन्नित्वा गहित्वा होगा, केवल गहित्वा होगा, गन्नित्वा नहीं। वो तो गहित्वा यहाँ लिखा ना मैंने, गहित्वा। अहं पुस्तक गहित्वा गच्छिष्यामि, गच्छिष्यामि। मैं सावस्ती जाकर ध्यान करूंगा। अहं सावस्तीं गहित्वा ध्यानं करिष्यामि। गहित्वा क्या हो, गहित्वा गन्त्वा होगा। मैं खेल कर पढ़ूंगा। अहं क्रीत्वा पठिष्यामि। संगीता आवाज सुन रही हो? जी उन्दी जी। अच्छा, तो आपको कुछ भी, बहुत सारे यहाँ क्रियापद हैं, इसमें से कोई एक चूज करके आप बताइए। दिख रहे हैं ना ये सारे? जी। तो कोई एक वाक्य बना के बताइए, किसी भी शब्द को चूज करके जो आपको आसान लगता हो, चाहे वर्तमान क्रियापद में चाहे भविष्य काल में, वर्तमान काल में या भविष्य काल में, जैसा आपको अच्छा लगता। आपको बहुत सारे मैंने बता दिए। अच्छा चलो, वह चंचल होकर हंसता है या चंचल होकर के हंसेगा। चंचल को कौन सा चंचल है? चंचल का मतलब ये संगीता, चंचल होकर या लिखा ना, देखो नीचे चलित्वा चलित्वा। संगीता आइए, संगीता बताओ, संगीता बताओ जी, फिर से वाक्य क्या बोला आपने? चंचल होकर हंसेगा। चंचल होकर देखो, साफ साफ चलित्व हो गया। चलित्व हसी, सो चलित्व हसती होता है, हसिष्यति हसिष्यति। ठीक से समझ में आ गया ना? ठीक से समझ में तो आ चाहिए, कोई दिक्कत नहीं ना। तो इसको आपको नहीं अभी नहीं दिक्कत, हाँ इसको अभ्यास करना, जितना ज्यादा अभ्यास कर लेंगे, यहाँ जो भी शब्द हमने, ये सब बहुत सारे शब्द जो दिखाए थे इनको देखना। भविष्य काल मैंने बता दिया, वर्तमान काल बता दिया, अनागत काल बता दिया, इनका कल हम लोग इन्हीं वाक्यों का अभ्यास करेंगे, ठीक है। और अभी तक जितने हमने पढ़े हैं, केवल अकारांत पुल्लिंग शब्द हमने पढ़ा है, अकारांत और इकारांत को ही पढ़े, स्त्रीलिंग पुल्लिंग तीनों पढ़े हैं। अब उसके बाद ये काल खत्म हो जाए तो थोड़ा सा क्या नाम, अतीत काल को भी थोड़ा देखेंगे, उसके बाद फिर हम अलग अलग लकारों को पढ़ेंगे, और जो सामान्य कोशिश करेंगे व्यवहारिक पाली जो है, सामान्य बोल चाल वाला, उसका अभ्यास ज्यादा करेंगे, और कुछ हम गद्यांशों का भी करेंगे एक दो दिन में। तो ठीक है, सभी को शुभरात्रि, समय सभी समाप्त हो गया। जीवन दानी धन्यवाद गुरुजी।